तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे सब क्या हो रहा है? मैं क्या करूं मेहता साहब, मैं बहुत परेशान हो गया। अरे देखो तुम्हें तकलीफ हो रही है, मैं इस चीज से इनकार नहीं करता, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स को भी तकलीफ हो रही है। और तुमने कभी सोचा है इन बच्चों को इस ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से कितनी तकलीफ हो रही होगी, कितने परेशान होंगे वो? जानता हूं मेहता साहब, लेकिन मैं क्या करूं? फिर देखो तुम शिक्षक हो, मैं तुम्हें क्या समझाऊं दोस्त, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और इस वक्त तुम सिक्के का एक ही पहलू देख रहे हो, दूसरा पहलू नहीं देख रहे हो। मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। मेरे बच्चों की मनस्थिति को समझने के लिए तुम्हें बच्चों के दिल में उतरना पड़ेगा, उनकी दृष्टि से सोच के देखो। फिर इस ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से बच्चे क्या क्या मिस नहीं कर रहे हैं, स्कूल की पढ़ाई मिस नहीं कर रहे हैं। स्कूल में जब बच्चे आते जाते हैं तो बहुत सारे क्षण ऐसे होते हैं जिन्हें बच्चे मिस कर रहे हैं, वो रिसेस की घंटी में दौड़ के बाहर आना, वो सबका एक साथ खेलना कूदना, वो स्कूल बस में आना जाना, साथ वाले बच्चों से लड़ना झगड़ना, बातें करना शेयर करना, स्कूल ग्राउंड में खेलना, कितना मिस कर रहे हैं बच्चे। इस ऑनलाइन पढ़ाई ने तो बच्चों के स्कूल को एक स्क्रीन बना के रख दिया है मित्र, और बच्चे इस माहौल में कैदी की तरह बनकर रह गए। मैं समझता हूँ मेहता साहब, लेकिन बच्चों को पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। नहीं पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, इस बात से कहाँ इनकार है भिड़े, लेकिन अगर पढ़ाई का तरीका बदल गया है, अंदाज बदल गया, तो हमें भी अपने सोचने का तरीका बदलना चाहिए। तुम एक बार वो बच्चे बन जाओ जो ऑनलाइन क्लास में, और उस बच्चे की तरह सोचो। भाई बच्चों को सबके साथ पढ़ने में मजा आता है, क्लासरूम में कितने सारे बच्चे होते हैं, साथ में खेलते कूदते पढ़ते हैं, और कुछ समझ में ना आए तो टीचर से बात कर लेते हैं और अपने अपने साथी से शेयर कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में कहां संभव है भिड़े। पर देखो देखो भिड़े, समझने की कोशिश करो, बच्चे से ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से पूर्णतः मोबाइल पे लैपटॉप पे निर्भर हो गए, और इस वजह से इंटरनेट सोशल मीडिया गेम्स, जब बच्चे पूर्णतः इसी तकनीक पे निर्भर हो गए तो फिर क्या किया जाए भाई। इंटरनेट के जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी हैं, तो बच्चों का दिमाग तो इन चीजों में चलने लगा। बिल्ली मास्टर देख, मैं समझता हूँ कि तू गलत नहीं है, लेकिन इसका हल ये तो नहीं है ना कि तू बच्चों को पढ़ाना ही बंद कर दे। अरे उन बच्चों के माँ बाप ने उन्हें तेरे पास भेजा है, तो तेरी भी उनके प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है ना। बिल्कुल, तू ऐसे परीक्षा के वक्त ही उनको पढ़ाना बंद कर देगा तो तेरा कितना नाम खराब होगा, ये सोचा है तूने? चल मैं मानता हूँ कि बच्चे अभी पढ़ाई नहीं कर रहे, और कल को कोई फेल हो गया या किसी के मार्क कम आए तो उनकी गलती, लेकिन अगर तूने उनको पढ़ाना बंद कर दिया और कोई फेल हो गया या किसी के मार्क कम आए तो वो लोग तो यही बोलेंगे ना कि भिड़े सर ने हमको पढ़ाया नहीं इसलिए ऐसा हुआ। बिल्कुल ऐसा ही बोलेंगे। चाचा जी आपकी बात बराबर है, मैं पढ़ाना चाहता हूँ लेकिन बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, तो मैं क्या करूँ? भिड़े बच्चों को अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट तुम्हें जगाना होगा। अरे भाई मैं इतनी देर से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों के नजरिए से सोचो। प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। भिड़े बच्चे इस ऑनलाइन पढ़ाई से बोर ना हो इसके लिए तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और भिड़े बेटा तू सिर्फ बच्चों को पाठ्य पुस्तक पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं है, अरे वो काम तो कोई भी कर सकता है। सच्चा शिक्षक वो होता है जो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनमें जीवन में आगे बढ़ने की, सच्चाई की और मेहनत करने की नींव रखे। बिल्कुल, और वही नींव आगे जाके उनका भविष्य का निर्माण करेगी, समझा? लेकिन चाचा जी ये सब कैसे होगा? उसका रास्ता भी तुझे ही निकालना होगा। देख बिल्ली मास्टर, ये समय अभी पहले जैसा नहीं है, बदल गया है, और उसके साथ साथ परिस्थितियां भी बदल गई है। इन परिस्थितियों में तुझे बच्चों के प्रॉब्लम को समझकर उनको पढ़ाना होगा, और उसके लिए सबसे पहले तुझे बच्चों के मन को पढ़ना होगा। बिल्ली मास्टर, कभी कभी कड़वी दवाई शहद के साथ मिलाकर देनी पड़ती है, और मुझे पूरा विश्वास कि ये काम तू अच्छे से कर सकता है। हाँ भिड़े तुम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बिल्कुल भिड़े भाई। मेहता साहब, चाचा जी, कभी कभी जीवन के आईने पर ओस की बूंदे लग जाती है और फिर बाहर की दुनिया धुंधली दिखाई देती है।
ऐसे में बस एक कपड़ा फिराने की देरी होती है, फिर धुंधलाहट दूर हो जाती है और दुनिया साफ दिखाई देने लगती है। थैंक यू मेहता साहब। अरे थैंक यू चाचा जी मुझे राह दिखाने के लिए। अब मैं समझ गया हूं कि मुझे मेरे स्टूडेंट्स के साथ क्या करना है। क्या बात है, ऑल द बेस्ट मेरे भाई। थैंक यू। शाबाश, बिल्कुल चल आ जा। बच्चों देखिए आपके भिड़े सर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। देखिए मैं समझता हूँ कि बच्चों को पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा और बच्चों को पढ़ाऊंगा। मैं जरा बच्चों के साथ अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। बच्चों मेरे साथ जरा क्लब हाउस में आना। हाँ जाओ बेटा। आओ बच्चों। आओ आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये है हमारे सोसाइटी का क्लब हाउस। देखो यहाँ पे टेबल टेनिस है, स्नूकर है, चेस है, कैरम है। बच्चों बताओ मुझे कौन सा गेम खेले। अरे बोलो, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ कौन सा गेम खेले। नहीं सर आप हमें डांटिए प्लीज। अरे अच्छा ठीक है, गेम्स नहीं खेलते, मैं सबके लिए आइसक्रीम मंगाता हूँ, ठीक है। नहीं सर हमें आइसक्रीम नहीं चाहिए, आप हमारे पेरेंट्स को कंप्लेंट करेंगे और पेरेंट्स हमें डांटेंगे। मैं किसी को नहीं बोलूंगा, मानो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। चलो एक काम करते हैं, तुम लोग ये मोड़े लेके यहाँ पे बैठ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ले लो ले लो, वहां से भी ले लो, आ जाओ। बच्चों सबसे पहले तो मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे ऐसे आप लोगों को नहीं पढ़ाने का फैसला नहीं लेना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। सर प्लीज आप सॉरी मत कहिए, गलती हमारी थी इसलिए आप डांट रहे थे। हाँ सर, आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो हमें बार बार समझा रहे थे पर हम ही नहीं मान रहे थे। बच्चों मैं जानता हूँ कि ये साल हम सबके लिए काफी बुरा गया है, आप बच्चों को भी काफी तकलीफें झेलनी पड़ रही है, लेकिन बच्चों हमें कठिन परिस्थिति के सामने झुकना नहीं है बल्कि उसका डटकर मुकाबला करना है। बच्चों आप सबने हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम तो सुना ही होगा। Yes, sir. आपको पता है बच्चों जब वो छोटे थे ना तब उनको पढ़ने के लिए अपने गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता था और दोनों गांव के बीच में एक नदी थी, लेकिन उस वक्त कोई पुल वुल नहीं था, उनको तैर के नदी पार करनी पड़ती थी। लेकिन इस कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और पढ़ लिखकर अपने आप को इतना काबिल बनाया कि अपने देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने हमारे देश को क्या नारा दिया पता है ना। जय जवान, जय किसान। अच्छा बच्चों 14 अप्रैल को एक महान नेता का बर्थडे आता है, पता है वो कौन है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। करेक्ट, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बहुत ही सामान्य परिवार से थे। जब वो छोटे थे तब छूत अछूत का दौर चलता था, वो जब स्कूल जाते थे तो उनको अपना एक अलग से आसन लेकर जाना पड़ता था, लेकिन ऐसी कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। अपने देश को क्या दिया उन्होंने पता है। सर उन्होंने हमारे देश का संविधान रचने में अहम भूमिका निभाई है। शाबाश रोहन, शाबाश। अच्छा बच्चों अभी मुझे बताओ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में कौन कौन जानता है। अरे वाह, हम तो वहाँ पे जाने भी वाले थे पर लॉकडाउन हो गया ना, इस वजह से हम नहीं जा पाए। कोई बात नहीं, आगे जब मौका मिलेगा तब जाना। हाँ बैठो। अच्छा ये मुझे बताओ बच्चों वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महान व्यक्ति का है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। बिल्कुल, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक किसान के बेटे थे
उनका सपना था वकालत पढ़ने का, लेकिन बच्चों उनके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे। फिर भी उधार की किताबें मांगकर वो पढ़े और वकालत की डिग्री हासिल की। उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया पता है सर? उन्होंने छोटे छोटे रजवाड़ों में बटे हुए हमारे देश को एक किया था। यस बिल्कुल मानसी बिल्कुल। आप लोगों को प्रेमचंद जी के बारे में बताता हूँ। प्रेमचंद जी जब 7 साल के थे तब उनके माता जी का, और जब वो 16 साल के थे तब उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। उनका जीवन बड़ा ही संघर्षमय रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने खूब साहित्य पढ़ा और एक बड़े साहित्यकार बन गए। अच्छा बच्चों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को तो आप जानते ही हो। हाँ सर। सर। ये सर हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों को पता है बच्चों, उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए अखबार तक बेचे थे। आज भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई पूरी करने के लिए काम करते हैं, अखबार बेचते हैं। जिनके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, बस एक छोटा सा मोबाइल है जिसपे वो पढ़ते हैं। उनका घर छोटा है, घर में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी वो पढ़ते हैं। लेकिन बच्चों, आपके पास दो दो मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, पढ़ने के लिए अलग से कमरा है, अच्छी खासी फैसिलिटीज है। इतनी सारी फैसिलिटी होने के बाद भी आप ना पढ़ने के बहाने ढूंढते हो, ऑनलाइन क्लास में चैटिंग करते हो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। आप लोगों को लगता है आप सही करते हो? सॉरी सर, हमसे गलती हो गई। पर सर अब हम बहुत मेहनत करेंगे और जो टाइम बाकी बचा है उसमें अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे। सर हम आपका नाम खराब होने नहीं देंगे। यस सर, नहीं होने देंगे। सर आप हमें फिर से पढ़ाना शुरू कीजिए ना, प्लीज सर। हाँ सर, पढ़ाइए ना, प्लीज सर, प्लीज पढ़ाइए ना। ठीक है, आज से तुम लोगों के ऑनलाइन क्लासेस फिर से शुरू। अब मैं जो बोलता हूं मेरे साथ साथ बोलो। आज से अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाएंगे। आज से अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाएंगे। हम पढ़ेंगे, हम लिखेंगे। हम पढ़ेंगे, हम लिखेंगे। इधर उधर की बातों में ना मन भटकाएंगे। इधर उधर की बातों में ना मन भटकाएंगे। किताबों को अपना दोस्त बनाएंगे। किताबों को अपना दोस्त बनाएंगे। पढ़ लिख कर नई सोच बनाएंगे। पढ़ लिख कर नई सोच बनाएंगे। अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखेंगे। अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखेंगे। मोबाइल में चैटिंग वैटिंग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। गेम्स वेम्स भी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और सोशल मीडिया से तो दूर रहेंगे। बस अब एक ही लक्ष्य, पढ़ना है आगे, हमें बढ़ना है आगे। शाबाश शाबाश शाबाश। ईशांत। यस सर। नैतिक। प्रेजेंट सर। मानव। प्रेजेंट सर। मानसी। यस सर। जिया। प्रेजेंट सर। एत। प्रेजेंट सर। रोहन। प्रेजेंट सर। ओहो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज सभी बच्चे एकदम टाइम टू टाइम आ गए और सबके कैमरा भी ऑन है। और मानव तुम तो जाग रहे हो, सो नहीं रहे हो। तो चलो पढ़ाई की शुरुआत करें। बच्चों आज के क्लास की शुरुआत हम लोग थोड़ी हंसी से करते हैं। कहते हैं इंसान को पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी बड़ी चद्दर हो। ऐसा क्यों? क्यों सर? क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो मच्छर काट खाएंगे ना। सर सर मैं भी एक जोक सुनाऊं? हाँ सुनाओ। अच्छा ये बताओ कौन सा बर्ड सबसे स्पीड से उड़ता है? नैतिक डव। ईगल। नहीं नहीं नहीं। नैतिक स्पैरो। नहीं बिल्कुल नहीं। क्रो। अरे जिस बर्ड को जल्दी होगी वो सबसे स्पीड में उड़ेगा ना। चलो अभी पढ़ाई करें। सर सर, yes, sir, yes, sir, yes, sir. मैं एक जोक सुनाता हूँ। अरे अच्छा ठीक है। एक क्लास में ना टीचर ने बच्चों से पूछा कि फल के नाम बताओ, तो एक बच्चे ने ना एप्पल मैंगो बनाना ऐसे फल के नाम बता दिए।
टीचर ने कहा और बताओ, तो वो उस बच्चे ने कहा कि और तो बस बढ़िया है, ऊपर वाले की कृपा है, आपका हाल बताओ। वाह 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 वाह, चलो अभी पढ़ाई शुरू करते हैं। यस सर। चलो अभी फिजिक्स की किताब निकालो। पेज नंबर 74 निकालो। आज का होमवर्क कंप्लीट चाहिए मुझे कल। यस सर। चलो ओके, बाय 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 बाय। आज कोई बहुत खुश लग रहा है। देखा यार, आज ऑनलाइन क्लास में बहुत मजा आया। अगवे कहाँ जा रही हो? नहीं, गैलरी में। क्यों? नहीं, नहीं, वो देखने जा रही हो कि सूरज दादा कहीं आज पश्चिम से तो नहीं निकले हैं। बसा बसा खाली बसा। माधवी, सूरज अपनी दिशा कभी नहीं बदलता। हाँ, लेकिन इंसान अपना नजरिया बदले तो बहुत कुछ बदल सकता है। आ, मात्र करे। क्या है ना माधवी, आज तक बच्चों को मेरे नजरे से देखता था, समझता था, लेकिन अब मैं उनको उनके नजरे से देखने लगा और समझने लगा। तभी बच्चों को इतना हंसा रहे थे आप। हाँ, एक बात मैंने जान ली है माधवी, अगर बच्चों को खुश रखो ना तो उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट और बढ़ता है। हाँ, मैंने देखा बच्चे काफी इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहे थे वो। हाँ, क्योंकि उनके नजरिए से पढ़ा रहा था ना मैं उनको। वैसे माधवी, हमारे जमाने में क्या था, छड़ी लागे छम छम, विद्या यही घम घम। पढ़ाई से ज्यादा तो पनिशमेंट मिलती थी, लेकिन अब पनिशमेंट का जमाना नहीं रहा। आपको कौन सा जमाना सही लगता है? माधवी, ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, हर एक जमाने का अलग अलग मजा है। अगर मैं हमारे जमाने की बात करूं, आहो तेरा उदय, वो कहते हैं ना प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। करेक्ट करेक्ट है। वाह वाह, चलो अच्छा है तारक कि भिड़े भाई भी मान गए और बच्चे भी समझ गए, उलझी हुई परिस्थिति सुलझ गई। सिर्फ सुलझ ही नहीं गई अंजलि, और बेहतर हो गई। बहुत अच्छा हुआ पेरेंट्स को, बच्चों को, सभी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया, पता चल गया गलती कहाँ थी। एक बात बताऊं, मैंने बहुत सारे शिक्षक देखे लेकिन भिड़े जैसा नहीं देखा। श्रेष्ठ शिक्षक है, कितना जिम्मेदार है। ये बीच में सब कुछ हो गया वो बात अलग है, लेकिन गौरव है भिड़े हमारा। अब भिड़े बहुत अच्छे से पढ़ाएगा बच्चों को और बच्चों के एग्जाम और बेहतर होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। वैसे तारक, इसमें थोड़ा सा क्रेडिट तो आपको भी जाता है। कैसे? अरे आपने उन्हें इतनी अच्छी तरीके से समझाया तब वो माने। मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया अंजलि, और भिड़े को समझाने वाला मैं कौन होता हूँ भाई, भिड़े खुद समझदार है। वैसे तारक, भिड़े भाई कुछ ज्यादा ही गुस्सा नहीं हो गए थे? क्या है कि वो लोग जो अपने फर्ज के लिए बड़े जिम्मेदार होते हैं वो थोड़े से जज्बाती हो ही जाते हैं, उन्हें लापरवाही बर्दाश्त नहीं होती, और काम में जरा सी लापरवाही हो, जरा सी दिक्कत हो तो फिर गुस्सा आ ही जाता है, तो भिड़े को भी आ गया गुस्सा, लेकिन फिर समझाना तो पड़ता है। क्या है ना कि ऐसे लोगों को समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, बस वही मैंने किया, उल्टे चश्मे से समझा दिया तो भिड़े को समझ में भी आ गया और सब अच्छा हो गया। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को भी एहसास हो गया कि एक्चुअली गलती कहां पर है, पर हैप्पी एंडिंग हो गई। हां अंजलि, मुसीबतें चाहे लाख आए पर मुसीबतों के बाद खुशी आनी चाहिए, और चेहरे पे चाहे कितनी चिंता की शिकन क्यों न हो, अंत में चेहरे पे हंसी छानी चाहिए, और दुख के बादल छड़ जाए सुख की रोशनी होनी चाहिए। जंग चाहे कितनी भी बड़ी हो, अंत में जीत की चांदनी होनी चाहिए। वाह, और दिन भले ही हालात से लड़ने में गुजरे, रात में नींद सुकून भरी होनी चाहिए। किसी से मनमुटाव कितना भी हो, पर आखिर में उसके लिए अपनापन होना चाहिए। और जरूरतमंद चाहे अपना हो, पराया हो, लेकिन जितनी हो सके उसकी मदद होनी चाहिए। राह भूले को भले ही मंजिल तक ना पहुंचा पाए, पर उसे मंजिल की राह जरूर दिखानी चाहिए। क्या बात है, और जहाँ अंधेरा हो वहाँ रोशनी, जहाँ ज्ञान हो वहाँ ज्ञान ले जाना चाहिए। बच्चों बुजुर्गों को प्यार, और स्त्री को हक और सम्मान मिलते रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा अंजलि। दोस्तों, ये दौर कोरोना का दौर है, महामारी का दौर है, हम सबके लिए धैर्य, संयम और परीक्षा की घड़ी, और हमें पूरे धैर्य के साथ इस लड़ाई को लड़ना है और जीतना भी। और बच्चों, आपसे खास तौर पे कहना चाहता हूँ, आपके लिए पढ़ाई और परीक्षा बेहद जरूरी है। पढ़ाई ढंग से कीजिए, अच्छे से परीक्षाएं दीजिए और जिंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि ज्ञान का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप जिंदगी की हर लड़ाई बहुत आसानी से लड़ सकते हैं। और हाँ, ये परिवर्तन का दौर भी है, तो आप सभी से कहना चाहता हूँ कि नई तकनीक अपनाइए, परिवर्तन के इस दौर में खुद को भी परिवर्तित कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो शायद पीछे रह जाएंगे, और अगर पीछे रह जाएंगे तो फिर दुनिया के साथ चलना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए नई तकनीक अपनाते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं।
जिंदगी में अगर आप ये सोच लेंगे कभी मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे करूंगा, तो शायद नहीं होगा। लेकिन अगर ये सोच लेते हैं हाँ ये तो बड़ा आसान है, मैं कर सकता हूँ, तो राह भी आसान हो जाएगी और मंजिल भी मिल जाएगी। बस एक बार ठान लीजिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आपके पास हिम्मत, हौसला और हंसी की वैक्सीन होनी चाहिए। हिम्मत और हौसला तो आपके पास है ही, हंसी की वैक्सीन हम देंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।